हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। और आज मैं एक जनरल, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं कि टीचिंग के फील्ड में हमारे पास कौन कौन से हैं फील्ड्स, सो जो भी मुझे पता है और मेरा मानना यह है कि टीचिंग के फील्ड में वैकेंसीज की कोई कमी नहीं होती। अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 साल के बीच में आप लोगों के पास काफ़ी इनफ वैकेंसीज भी आती हैं और आप जरूर टीचर बन जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आप लोगों के पास, अगर आपके सब्जेक्ट नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, तो आपके पास ये सारे स्कूल्स हैं जिनके प्राइवेट में भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो टीचिंग पर्सपेक्टिव को ध्यान में देखते हुए मैंने 3-4 चीज़ें बनाई हैं, और होपफुली जिन्हें टीचिंग के फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन जिन अभी अभी एंटर हो रहे हैं, तो अभी अभी आपने डिग्री ली है या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आप टीचिंग में आना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। कोई भी, ये एक जनरल है, सारे सब्जेक्ट के लिए यही सारी चीज़ें चलेंगी। आप मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि ये सारे इतने स्कूल्स होते हैं तो लगभग 1 लाख के करीबन वैकेंसीज पूरे इंडिया में जनरेट होती हैं, तो आप लोग कहीं भी जॉब ले सकते हैं टीचिंग में। तो टीचिंग सब्जेक्ट में आप सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और आप लोगों के पास में 11th 12th आता है प्लस सेकेंडरी में, तो इसमें आप लोग प्रोफेसरशिप जो होती है बाद में आप लोग UGC नेट क्लियर करके बन सकते हैं। तो PRT, TGT, LT और PGT और कुछ स्टेट में इसे लेक्चरर्स भी बोला जाता है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में अभी जैसे मैं हूँ तो इंग्लिश लेक्चरर हूँ अप टू 11th 12th ओके इन उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर और उसके ऊपर आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास UGC नेट है और आप PhD है। उसके अलावा आप, चलो बात करते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, पहले गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसमें एक तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जब 29 स्टेट्स हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं, हर स्टेट के अलग गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं स्कूल्स, तो आप उनके लिए वैकेंसीज का के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ में ही कुछ ऐसे हैं जैसे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय है, इनके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को टीचिंग के लिए एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, इनके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होता है इन विद्यालय के बारे में। ये रेजिडेंशियल विद्यालय होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही चलते हैं। उसके बाद अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी स्कूल्स हैं लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा है जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। हर एक स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है जो कि JNV जवाहर नवोदय विद्यालय उनको मिलता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो आप सोच सकते हैं कितने सारे स्कूल्स होंगे, काफ़ी सारी वैकेंसीज ये निकालते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आप लोगों के पास ये हैं। तीसरा है कि जो पर्टिकुलरली दिल्ली है तो दिल्ली में आप लोगों का DSSB काफ़ी सारी वैकेंसीज निकालता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स हैं उसमें हो सकता है, जैसे उनमें सर्वोदय विद्यालय हैं और काफ़ी सारे स्कूल्स चलाते हैं, तो दिल्ली में भी आप लोगों को 2 टाइप की वैकेंसीज आप लोगों को मिलेगी। अब आते हैं प्राइवेट स्कूल में, जो कि गवर्नमेंट स्कूल जैसी ही सैलरीज आप लोगों को देते हैं नियर बाय। अब उतना तो नहीं देते हैं लेकिन फिर भी आप लोगों के पास अगर फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो उतनी सैलरी आप लोगों को मिलेगी। जैसे कि HCL है, शिवनादर फाउंडेशन है, ये काफ़ी अच्छे स्कूल होते हैं, इनका इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी अच्छा ठीक ठाक इंटरव्यू ये लोग लेते हैं और फैसिलिटीज़ वही होती हैं जो कि सैलरी वही होती है जो कि आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है। प्लस आपको इसके साथ में आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को मिलता है, 2 बच्चों के एजुकेशन आपकी फ्री हो जाती है। और इसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे स्कूल्स होते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के और काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। उसके अलावा अगर पतंजलि योगपीठ के स्कूल देखे जाएं, इसमें आता है आचार्य कुलम, ये भी अच्छी सैलरी देते हैं और साथ में रेजिडेंस प्लस फूड मीन्स अकोमोडेशन प्लस फूड भी देते हैं। शिवनादर फाउंडेशन HCL कंपनी के अंडर में चलता है। उसके बाद आते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल। पहले तो मैं कहूँगा कि इसे मैं सजेस्ट नहीं करता लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। ये लोग अपना एक अलग से एग्ज़ाम लेते हैं और उसके थ्रू करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर सिफारिश अगर आप लोगों की है तो आप जल्दी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं और गूगल पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको 20+ ऐसे फाउंडेशंस मिल जाएंगे जिनके, और कंपनीज मिल जाएगी जिनके अपने स्कूल चलते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप प्राइवेट सेक्टर के
किसी भी स्कूल को ज्वाइन करें और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके जो भी अंडर किसी ट्रस्ट के होनी चाहिए हो, देखिए कि वो जो स्कूल है वो क्या किसी ट्रस्ट के अंडर है, और रेजिडेंशियल हो तो ज्यादा बेटर है। किसी ट्रस्ट के अंडर में चलता हुआ स्कूल वो आप लोगों को काफी अच्छी फैसिलिटीज देते हैं और सैलरी देते हैं आपको, जैसे आप लोगों ने डीएवी है और ये सारे स्कूल्स आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं, आप उनमें जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन, अगर आप लोगों का अपना सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप ऑनलाइन भी काफी अच्छा कमा सकते हैं। आप कुछ कोचिंग कर सकते हैं, बाहर कोचिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं। ट्यूशंस का भी यही है, आप घर पे भी पढ़ा सकते हैं और अपना एक कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, कोर्सेज बना के उन्हें सेल कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, काफी अच्छा सेल कर सकते हैं। और बुक राइटिंग आप लोग कर सकते हैं, कि आर्टिकल राइटिंग अगर कर सकते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में आजकल हर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को इस तरह की जॉब्स देते हैं। तो बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हुआ, होपफुली कि इसने आपको हेल्प किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।